Hi guys, welcome back to my YouTube channel Study Box. This is me Sagrika Singh and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 फाइन आर्ट्स का यूनिट नंबर 2 फाइन आर्ट, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, कमर्शियल आर्ट्स, सारे. ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहीं से आपकी जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग है, फॉर एग्जांपल राजस्थानी, पहाड़ी, डेक्कन, ये तीनों मेजर इंपॉर्टेंट जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो इसी वाले पाथ से, मुगल स्कूल से ही शुरू हुई थी. ठीक है, नो डाउट आपका जो चैप्टर है, जो सीरीज दे रखी है CBSE की तरफ से, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, देन डेक्कन, बट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि जो रियल सीक्वेंस है जहाँ से मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई है, दैट इज़ मुगल, डेक्कन, राजस्थानी एंड देन पहाड़ी. तो यहीं से आपको पता चलेगा कि मिनिएचर पेंटिंग्स कैसे स्टार्ट हुई, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो आपको इसके ओवरव्यू पे भी दिख गया है, राइट. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, फिर हम इसमें पढ़ेंगे आपके मेजर टाइमलाइन के बारे में. टाइमलाइन मतलब कि जो पेंटिंग्स है वो हर एक राजा के टाइम पर बहुत अलग अलग बनाई गई थी. ठीक है, कि और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, क्योंकि आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है सैम्पल पेपर में. ठीक है, अभी 2 चैप्टर्स लाइक ये वाला मुगल स्कूल और इसके बाद वाला डेक्कन स्कूल, इन दोनों को कराने के बाद मैं सैम्पल पेपर का भी डिस्कशन करूंगी. सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट. ओके, खैर, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये आपको मेंशन है क्वेश्चन में कि आपको इनके बारे में भी बताना है. ठीक है, तो ये भी मैंने बताया है इस वाली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ मेन फीचर्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुगल स्कूल के नीचे पेंटिंग के अंदर बहुत. इसके बाद हम लोग 4 पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फेल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कबीर एंड रायदास, एंड मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखों. अब यहाँ से जो चारों की चारों पेंटिंग्स है ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे एक 6 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है. 1 मार्क्स में आपके जो ये भजशाह है इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है मुगल स्कूल के अंदर जो कि बताती है सेक्युलरिज्म के बारे में, या फिर अकबर के टाइम पर कौन सी ऐसी पेंटिंग बनी थी जिसका ये डिस्क्रिप्शन है, ये बताओ आप, या फिर कबीर एंड रायदास जो है वो किसके टाइम पर बनी थी. तो ऐसे करके इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, तो दैट मेक्स दिस चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन इज जब आप इसका आंसर फ्रेम करोगे तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहे हैं जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड अभी भी बता रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जैसे नोट्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं वैसे ही एरोज़ बना करके एंड साइंस बना करके साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो, ताकि जब पेपर लिखने जाओ अपना, चाहे वो हाफ ईयरली है, कोई यूनिट टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है, या फिर जो मेन बोर्ड्स की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको पता रहे कि पेंटिंग में आप 30 on 30 स्कोर आराम से कर सकते हो, फाइन आर्ट्स पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, एनीथिंग. ठीक है, ओके, तो इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करती हूँ आपसे, तो जो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है वो 16th century से स्टार्ट हुआ था एंड वो 19th century तक चला था. ठीक है, कहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया के साइड में, तो मुगलों ने जहाँ जहाँ पे रूल किया वहाँ वहाँ पे पेंटिंग्स भी आना शुरू हो गई, एंड बहुत ही अलग अलग सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, मतलब अलग अलग टाइप की टेक्निक्स को मिलाना, कहीं ना कहीं वो इस्लामिक, लाइक मुगल्स थे, इस्लामिक के जितने भी उनके तरीके हैं वो पेंटिंग्स के अंदर दिखते थे, हिंदुइज़्म को दिखाना, यूरोपियन कल्चर्स को दिखाना, जितनी भी पेंटिंग्स के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, एंड येस हिंदू भी, मतलब हिंदू की जो टेक्निक है उनको भी ये लोग दिखाते थे. कबीर एंड रायदास इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. ठीक है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो हम पढ़ेंगे आगे, ये एग्जांपल्स क्या है कि मुगल्स जो थे वो सेक्युलर थे बाय नेचर. ठीक है, वो ऐसे भेदभाव नहीं करते थे. ऑल्सो इसमें हम लोग बहुत सारे डाइवर्स रेंज के थीम्स देख सकते हैं, सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग चीज़ों पे वो लोग पेंटिंग्स बनाते थे. हम लोग जहांगीर के पीरियड में पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा ही टाइम, मतलब अलग अलग थीम्स पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, फ्लोरा हो गया, फना हो गया, मतलब कि पेड़ पौधों को दिखाना, फिर जो गाय भैंस बकरी हैं उनको दिखाना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जितनी भी मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर. ठीक है, फिर अलग अलग टाइप, पर्शियन स्टाइल हो गया, यूरोपियन स्टाइल हो गया. इन फैक्ट आपका जो मुगल्स के टाइम पे जब मिनिएचर पेंटिंग बनना शुरू हुई थी, तो ईरान से भी आर्टिस्ट को बुला करके लाया गया था पेंटिंग्स को कराने के. इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई मुगल्स के टाइम पे. आप आर्किटेक्चर, हम आज भी जानते हैं मुगलों के बनाए हुए कितने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर हैं. ठीक है, ताजमहल फोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उस टाइम से बनती आ रही हैं. ऑल्सो इसी के साथ साथ आप कैलीग्राफी देख सकते हो, पेंटिंग देख सकते
सकते हो, बुक मार्किंग्स, इलिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, अकबर के टाइम पे इलिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए गए थे, ठीक है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इनको भी दोबारा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना करके इसको इलिस्ट्रेशन मतलब उसकी पेंटिंग वगैरह दिखाई गई थी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद देखते हैं जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी इसमें हम लोग बहुत ही आर्टिस्टिक के प्रेफरेंसेस मतलब जैसा आर्टिस्ट चाहते हैं वैसे ही वो पेंटिंग्स बनाते थे खुले मन से, ठीक। एंड उनकी जो सब्जेक्ट चॉइसेस होती थी वो जैसे चाहते थे वो अपने प्रेफरेंसेस के मुताबिक ही जितनी पेंटिंग्स थी वो बनाते थे। एंड ऑल्सो इसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो इंडियन और मुगल की जितनी भी पेंटिंग्स है वो बहुत ही कोएग्जिस्टेड थी, मतलब बहुत ही ऐसा नहीं था कि भाई तुम अगर हम इंडिया में आ गए हैं या फिर जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके बीच में ऐसे बिल्कुल हसल चल रही है कि नहीं नहीं हमारी पेंटिंग्स अच्छी है हमारी अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं था, दोनों ने मिल बांट करके और बहुत ही अच्छे से काम किया था, ठीक है। तो ये था आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हाँ हमें मतलब पूरे जो मुगल पीरियड के दौरान जितनी भी पेंटिंग्स हुई वो कैसे कैसे हुई। बट एट द एंड याद रखना इस बात को कि जब हम एंड में आ जाएंगे ना इसके औरंगज़ेब के टाइम पे तो मुगल में नीचे पेंटिंग का डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। सो वेल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज़ बाबर। बाबर के टाइम पे जितनी भी पेंटिंग्स थी वो कैसे राइट में कि बाबर हमारे इंडिया में कब आए थे, वो आए थे 1526 में, फर्स्ट मुगल एम्परर थे। एंड कहाँ से आए थे भाई, उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है। उनके बीच में इतने सारे कंट्रीज थे उनको फर्क नहीं था, उनको बस इंडिया में ही आना था, तो वो उज्बेकिस्तान से यहाँ गए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उसके ऊपर उज्बेकिस्तान है, तो वहाँ से चल करके यहाँ तक वो आ गए थे, ठीक है। अब वो यहाँ आए थे तो सबसे पहली बात तो वो किसके डिसेंडेंट थे, डिसेंडेंट थे वो तैमूर के और जेंगेज खान के। एंड उनकी जो लैंग्वेज थी अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में देखोगे उनकी लैंग्वेज छगताई, छगताई नहीं समझ में आ रहा तो इट्स तुर्की, ठीक है, तुर्की लैंग्वेज को बोला जाता था छगताई, ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक, ओके। तो वहाँ से ही आए थे बाबर। अब बाबा जब हमारे इंडिया में आए तो उनको क्या अच्छा लगा भाई, उन्होंने आकर के कल्चरल बैकग्राउंड को और इसी के साथ एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अलग से वर्ड हैं, इनको कहीं लिख लो याद रखना, ठीक है। इनको बिल्कुल जो पर्शिया और सेंट्रल एशिया है इनको मिला करके जितने भी इसके टाइप्स थे, फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि भाई जितनी भी आपके पर्शिया के अंदर पेंटिंग्स बनती थी, सेंट्रल एशिया के अंदर पेंटिंग्स बनती थी, तो इनका मिक्सचर मिला करके फिर उन्होंने उसमें अलग ही ब्लेंडेड सेंसिबिलिटी, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी दिखाई एंड पेंटिंग्स बनना शुरू हो गई। अब क्या बाबर पेंटिंग्स बनाते थे, डेफिनेटली नॉट, वो एक एम्परर थे तो उनके टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वन मार्क्स के लिए या फिर जब आप 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तब भी याद रखना कि उनके टाइम पे जो सबसे फेमस आर्टिस्ट थे दैट इज़ बिहिजाद, पॉइंट नंबर 4 फोकस करना, ठीक है। बिहिजाद उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे जिन्होंने मास्टर किया था पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ बाबर के टाइम पे, अगेन 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, उनके टाइम पे उनकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा बनाई गई थी जिसके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह थी वो दिखाई गई थी। एंड उसमें बताया जा रहा है कि जो बाबर है उनका पॉलिटिकल करियर कैसा था, उनको किस चीज़ में पैशन था। ऑल्सो इसके अंदर बताया गया है कि भाई जो बाबर थे उनको हमारी इंडिया की लैंड से बहुत ज़्यादा ही प्यार था, उसकी इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ बाबर का बहुत ही डायनामिक टेस्ट ऑफ आर्ट्स मतलब आर्ट से बहुत ही ज़्यादा प्यार रहा है उनको, ठीक है। एंड शाह मुशर्रफ, ये मैंने लास्ट में नाम लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शाह मुशर्रफ जो थे उनका भी, वो भी एक आर्टिस्ट थे एंड उनके अंदर ये खासियत थी कि वो जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे उनमें बाबर के हेयर स्टाइल्स को ना बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते थे, ठीक है। सो विद दिस, दिस इज़ ओनली आपको जितना बाबर में पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं बाबर के बेटे हुमायूं पे, ठीक। हुमायूं जो थे उन्होंने 1530 में रूल अपना शुरू कर दिया था हमारे इंडिया के अंदर। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने एक कोर्ट, कोर्ट मतलब यहाँ पे वो जो हम कोर्ट में जाते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो वाला कोर्ट नहीं है, उन्होंने कोर्ट इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे काबुल में 1545 के अंदर, ठीक है। एंड इन्हीं के अंदर दो मेन आर्टिस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी, दो इंपॉर्टेंट ग्रेट आर्टिस्ट थे उनके टाइम पर, दैट इज़ मीर सैयद अली एंड अब्दुस सहमद, ठीक है। अब्दुस ख्वाजा सहमद नाम है पूरा बट अब्दुस सहमद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो मेजर आर्टिस्ट थे जो कि पर्शिया से आए थे जिन्होंने कोर्ट स्टूडियोज़ इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। जहाँ पे मतलब होते हैं ना स्टूडियोज़, कोई भी आर्टिस्ट होता है उनके जो भी वो कहाँ काम करते हैं उनको स्टूडियो बोलते हैं,
राइट, तो इन्होंने भी स्टूडियोज़ वगैरह बनाए थे, इस्टेब्लिश किए थे, और जहाँ पे जितनी भी कोर्ट की पेंटिंग्स होती थी, मतलब कि कोई भी पेंटिंग्स बना, रॉयल पेंटिंग्स हो गए या फिर जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे उस टाइम पे, वहीं पे बनाई जाती थी, ठीक है। एंड इनके अंदर भी बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह ने काम किया है, जो कि हम इनके नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे, अकबर के अंदर, ठीक है। आई नो यहाँ पे ना बहुत सारी हिस्ट्री 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 आ गई है जो कि हम पेंटिंग पढ़ रहे हैं, बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हुमायूं के अंडर वहाँ पे इन्होंने निगर खाना जो है उसको इस्टेब्लिश किया, तो उसको फाउंड निगर खाना का मतलब होता है पेंटिंग की वर्कशॉप्स लगाना। जैसे आज के टाइम पे कोई भी वर्कशॉप होती है तो उसको एक नाम देते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे भी निगर खाना जो है उनके टाइम पीरियड में सारी सारी चीज़ें हुई थी, निगर खाना बनाया गया था, एंड उसी के अंदर एक प्रोजेक्ट भी अंडरटेक किया था, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब एक आपको एक प्रॉपर एक हेडिंग दे दिया, ठीक है, इस वर्कशॉप का ये नाम है एंड इसके अंडर हम ये चीज़ें करेंगे अडॉप्ट, या फिर इन इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ये इन प्रोजेक्ट्स को लेंगे। तो वैसा ही सेम है उस टाइम पे भी, कि निगर खाना एक प्रोजेक्ट इनका नाम था वर्कशॉप का, जिसके अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, दैन प्रोजेक्ट का नाम था हमजानामा। 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है, ये थोड़ा अलग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो आप इसको। यहाँ पे क्या हुआ था, जो मैंने आपको दो ऊपर नाम बताए ग्रेट आर्टिस्ट के, ठीक है, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल सहमद ने, तो इनमें से जो ख्वाजा अब्दुल सहमद है उन्होंने बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग बनाई थी, जिनका नाम था प्रिंस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों थी, क्योंकि ये बनाई गई थी कॉटन के ऊपर, कॉटन रुई के ऊपर बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ ओपेक वाटर कलर, एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए थी बिकॉज ऑफ इसके साइज़ के कारण, ये बहुत ही जाइगेंटिक थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनाई गई थी, एंड ऑल्सो इसके अंदर जितने भी हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट्स वगैरह थे बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो ये एक नाम था, टाइटल था, जिसके अंडर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हुमायूं के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ड्यूरिंग हिज पीरियड की, भाई जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी वो ओपन एयर पेंटिंग्स बनाते थे, वहाँ पे ट्रीज एंड ब्लॉसम्स को दिखाना, रॉयल मैरी मेकिंग्स को दिखाना, फिर जितनी भी फॉर्मेट हो गया, थीम्स हो गया, कलर्स, ये सारे की सारी पर्शियन स्टाइल से ही ली जाती थी। सो विद दिस हमने दो एम्प्रेस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अकबर के ऊपर। अकबर का टाइम पीरियड हमारे इंडिया के अंदर था फ्रॉम 1556 टू 1605। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डेट मेंशन नहीं करनी है, ईयर मेंशन नहीं करनी है तो मत करो, एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि जो मैं बता रही हूँ ईयर वो अलग है, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं, इसे एनसीईआरटी से ही देख के लिखे हैं, बट आपके जो कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल पेनोरेमिक हो गया आपका, फुल मार्क्स हो गया, या फिर कोई भी जो आपके स्कूल वालों ने लगवाई है, या फिर आपका इंटरनेट हो गया, सब में ईयर कहीं ना कहीं डिफरेंस आ ही जाता है। सो अवॉइड करते हैं, सीबीएसई के जितने भी आंसर्स हैं उनके अंडर भी कभी भी कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है, तो ईयर को अवॉइड कर दो, ज़्यादा ही बेटर रहेगा। बट आपको सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है, एंड किसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट उठाए गए थे एंड किस आर्टिस्ट ने बनाया था, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ईयर लिख दिए हैं, ठीक। सबसे पहले नाम लिखा है मैंने यहाँ पे अबुल फजल के बारे में, तो अबुल फजल के बारे में जब बताते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अबुल फजल कौन थे, वो एक आर्ट कोर्ट हिस्टोरियन थे अकबर के टाइम पीरियड में, एंड इन्होंने बताया है कि अकबर को आर्ट का बहुत ज़्यादा ही पैशन था, बहुत ज़्यादा ही शौक रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मतलब ये बातें और मतलब बताई गई हैं अकबर के टाइम पीरियड में कि इनके टाइम पे बहुत लाइक 100 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट थे, एंड जितने भी आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टाइल्स में, पर्शियन स्टाइल में, यूनिक स्टाइल जितने भी आर्टिस्ट थे वो लेकर के आए थे, ठीक है। ये थी कुछ स्टार्टिंग के अकबर के बारे में इंट्रोडक्शंस। अब इसके बाद जो चीज़ है कि भाई अकबर के टाइम पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहली बात तो हमजा नामा, ये जो इससे पहले हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था उनके बेटे हैं अकबर, तो हमजा नामा जो प्रोजेक्ट उठाया था हुमायूं ने वो अकबर ने कंप्लीट करा था, ठीक है। हमजा नामा के अंदर छोटी सी डिटेल यही है कि हमजा नामा उसमें एक हीरोइक टेल बताई गई है, इसके बारे में हमजा के बारे में, हमजा कौन थे, अंकल थे प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ है। एंड उसके बाद रज्मनामा ये क्या है, जितनी भी देखो यहाँ पे अब रज्मनामा हो गया, रामायणा हो गया ये, एंड इसको फिर इलस्ट्रेशन, इसको पहले ट्रांसलेट किया गया एंड इससे फिर इलस्ट्रेशंस बनाई गई, इलस्ट्रेशंस माने प्रोजेक्ट्स बनाए गए, पेंटिंग्स बनाई गई, ठीक है। तो महाभारत को ट्रांसलेट और उसके इलस्ट्रेशन बना करके जो प्रोजेक्ट का नाम पड़ा, दैट इज़ आपका रज्मनामा,
ठीक है, ये बना था मास्टर आर्टिस्ट दसवंत के अंदर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जो रामायण है उसका भी आपका ट्रांसलेशन और फिर उसके बारे में भी इलस्ट्रेशंस बनाई गई, ठीक है। ऑल्सो हमजा नामा, ये जो आपको जो मैंने बताया अभी ये प्रोजेक्ट बना था, इसके अंदर 14 वॉल्यूम्स बने थे, 1400 इलस्ट्रेशंस, और इसको बनाने में 15 साल का टाइम लग गया था। बाकी हम लोग आगे आते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत ही फेमस और बहुत ही लार्ज बड़ा प्रोजेक्ट, दैट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव भी था ये, ठीक है। याद रखना, इसका नाम अकबरनामा बनाया गया था, जिसके अंदर बहुत ही डिटेल ये मैन्यूस्क्रिप्ट था। एंड इसके अंदर जितनी भी अकबर की पॉलिटिकल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें थी वो दिखाई गई थी अकबरनामा के अंडर। एंड इनके टाइम पे, अकबर के टाइम पे, दो फेमस आर्टिस्ट फॉर योर वन मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गोवर्धन एंड मिस्किन, ये दो आर्टिस्ट थे जिनके बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग कोर्ट सीन्स दिखाए थे, ठीक है। मैंने साइड में क्लाउड बना के लिख दिया है मडोना एंड चाइल्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टवर्क था जो कि अकबर के टाइम पे बनाया गया था, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वाटर कलर ओपेक वाटर कलर दिखाया गया था पेपर के ऊपर, ठीक है। सो विद दिस आपका अकबर का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। जहांगीर के ऊपर, जहांगीर वो जिनको हम लोग प्रिंस सलीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रिंस सलीम के नाम से भी जानते हैं। एंड इनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1605 टू 1627, ठीक। ओके, तो हम लोग जब जहांगीर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही, एक सबसे इकलौते ऐसे मुग़ल एम्परर थे जिनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब भरमार आप कह सकते हो, भरमार इंटरेस्ट था आर्ट के अंदर, इनको उसके आर्ट के अंदर हो गया, उसकी ऑब्जर्वेशन, फाइन डिटेल, टेस्ट, इंटरेस्ट सब कुछ था आर्ट के अंदर, ठीक है। एंड इन्हीं के टाइम पे बहुत ही फेमस ईरानियन पेंटर्स भी आए थे जिनका नाम था अकारीज़ा, ठीक है। ऑल्सो जहांगीर को कहा जाता है द वर्ल्ड सीज़र, इसका मतलब क्या है कि भाई जब जहांगीर इलाहाबाद से वापस आए थे तो आकर के उन्होंने मुग़ल थ्रोन को हासिल कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, इस वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा नाम है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि तुर्क ई जहांगीर, ये जो नाम है तुर्क ई जहांगीर, इसमें मेमोरीज ऑफ जहांगीर जो है उसके बारे में इलस्ट्रेशन बताए गए हैं, फ्लोरा एंड फोना के बारे में दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से, मेमोरीज जहांगीर की जो यादें हैं उसको इसके अंदर दिखाया गया। जितनी भी मुगल्स की पेंटिंग बनाई जाती थी जहांगीर के टाइम पीरियड में, बहुत ही नेचुरल तरीके से, नेचुरलिस्टिक भी दिखाते थे और साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ दिखाई जाती थी जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे। फिर हम लोग आते हैं कि भाई मुराक्स, अब ये मुराक्स क्या है, मुराक्स इज़ अ टाइप ऑफ कि भाई ये पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स के लाइक पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, ठीक है, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स दिखाई जाती थी जो कि जहांगीर की लाइफ के पोर्ट्रेट के बारे में बताई जाती थी जितनी भी पेंटिंग्स होती थी, तो उनको एक हेडिंग दे दिया गया यहाँ पे मुराक्स, ठीक। अब जितनी भी पेंटिंग्स होती थी जहांगीर के टाइम पे, उसमें लाविश के कोर्ट सीन्स, रॉयल पर्सनालिटी, करेक्टर ट्रेट्स वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कहीं ना कहीं से देखोगे तो हर एक एम्परर के टाइम पर आपको दिख ही जाएंगी। अब जहांगीर के टाइम पे एक हटके चीज़ जो सिर्फ जहांगीर के टाइम पे थी, याद रखना, वो यही थी कि भाई जहांगीर ने फोकस किया था कि भले ही जो पेंटिंग है, जो आर्टिस्ट के नंबर्स हैं वो लेस रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम क्वालिटी की चीज़ पे देखेंगे। भले ही मास्टर आर्टिस्ट एक हो, ठीक है, एक ही आर्टिस्ट हो, बट उसने जो पेंटिंग, एक ही पेंटिंग बनाई हो वो बहुत ही सुंदर बनाई हो, तो ये एक जहांगीर के टाइम पर एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सपोज़ अगर एक ही आर्टिस्ट है, अबुल फजल एक आर्टिस्ट है, वही आर्टिस्ट है, तो भले ही वो एक ही पेंटिंग बनाए लेकिन वो दी बेस्ट चीज़ बनाए, ठीक है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक। उसके बाद आते हैं आर्टिस्ट जितने भी होते थे वहाँ पे, वो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स को मिक्स कर देते थे, इंडिजीनियस हो गया, पर्शियन हो गया, यूरोपियन हो गया। एंड इसी के साथ साथ अब सबके टाइम पे, अकबर में देख लिया हमने, बाबर में देख लिया, हुमायूं में देख लिया, तो अब जहांगीर भी कैसे पीछे रहेंगे, तो इनके टाइम पे भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिनका नाम था जहांगीरनामा, जहाँ पे जहांगीर के बारे में अगेन बताया गया है। किसने बनाया है ये, अब्दुल हसन और मनोहर ने ये जहांगीरनामा को बनाया है। इसी के साथ साथ बहुत और भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पेंटिंग्स इनका टाइटल है जहांगीर ड्रीम, फिर इसके अंदर काफ़ी सारे अलग 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 इलस्ट्रेशंस बनाई गई हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है एंड इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो जहांगीर ड्रीम जो है वो अबुल हसन ने बनाई है, जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आर ग्लास ये बनाई है विचित्रा ने,
ठीक है. सो ये विद दिस आपका जहांगीर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं शाहजहां के ऊपर. शाहजहां का एक और नाम था, दैट इज़ आपका प्रिंस खुर्रम. ठीक है, जब उन्होंने दिल्ली को एक्वायर किया था प्रिंस खुर्रम ने, तब उनका नाम वो किस नाम से जाने लग गए, शाहजहां के नाम से. ठीक है, इस बात को याद रखना कि शाहजहां को क्या बोला जाता था और जो इससे पहले जो हमारे मुगल एम्परर थे, दैट इज़ आपके जहांगीर, उनको क्या बोला जाता था, सलीम. ठीक है, याद रखना इस चीज़ को. ऑल्सो जब शाहजहां आए, देखो आपको नाम तो डेफिनेटली हम सब ने सुन रखा है, ताजमहल आगरा किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है, फिर रेड फोर्ट किसने बनवाया है, शालीमार गार्डन में लाहौर फोर्ट जो है, ये सब किसने बनवाया है, तो ये हमने कहीं ना कहीं नाम सुन रखा है. ताजमहल के बारे में एटलीस्ट सबको पता है. तो बस सोचो अगर हम ताजमहल को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है, वो कितना अच्छा है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छे नेचुरल तरीके से रेंडर और नेचुरलिस्टिक दिखाए गए हैं, स्टाइल दिखाए गए हैं, आइडियल वर्क दिखाया गया है. तो जो नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हीं को आपको एज ए लिखना है. बहुत ही मैग्निफिशेंट वर्क दिखाया गया है. तो वही काम किया है शाहजहां ने, जितने भी उन्होंने मोन्यूमेंट्स बनवाए हैं, आर्ट वर्क था उनका वो बहुत ही ज़्यादा ही मैग्निफिशेंट था, बहुत ही अच्छा था. ठीक है, तो ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको बता रही हूँ कि आपको लाइंस कैसे फिल करनी है जब आप इनके बारे में लिखोगे. ठीक है, ये कुछ भारी भारी वर्ड्स जो आपको भी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, मैग्निफिशेंट वर्क किया है, आइडियलाइजेशन, स्टाइलाइजेशन, नेचुरल रेंडरिंग करना, सेंसिबिलिटी दिखाना, पिक्चर्स हो गया, आर्ट हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गया उनके अंदर. ठीक है, और इमेजिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं इनके टाइम के पीरियड में. बताओ भाई, जब ऑफकोर्स ये बात है, उनको क्यों प्यार होगा इतना जूल से, ज्वेलरी से, उनको कितना अच्छा लगता है आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स वगैरह को दिखाना, इसी वजह से. तो सोचो उन्होंने लाइक शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए ताजमहल तक बनवा दिया. ठीक है, तो ये दिखाते हैं उनको प्यार था इन सब चीज़ों से, आर्किटेक्चर से हो गया, ज्वेलरी से हो गया, ज्वेल से हो गया. तो इस चीज़ को ऐसे याद रखना. ठीक, फिर हम लोग आते हैं कि पदशाहनामा इनके टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर क्रॉनिकल्स ऑफ किंग्स के वगैरह के बारे में दिखाया गया है उस वाली सीरीज़ के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, एंड इनके टाइम पे जितने भी मेन जो फीचर्स थे, जो कि हम लोग हर एक पेंटिंग में, आर्किटेक्चर्स में, इन सब में देख सकते हैं, दैट इज़ योर मल्टी पर्स्पेक्टिव, कि भाई कैसे उनके पर्स्पेक्टिव रहे हैं कोई भी चीज़ को दिखाने में. फिर हम लोग आते हैं इंचांटिंग पैलेट ऑफ कलर्स, कलर्स दिखाना, रॉयल पोर्ट्रेट्स दिखाना, हिस्टोरिकल और मिस्टिकल जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह दिखाना इन सारी चीज़ों में. ठीक, एंड उनके टाइम पे जो मेजर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं, दैट इज़ ताजमहल जो कि आपका आगरा में है, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जो कि आपका दिल्ली के अंदर है, शालीमार गार्डन जो कि लाहौर में है. ठीक है, तो ये सारे कुछ उनके प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं. फाइनली हम लोग लास्ट आएंगे औरंगजेब पे, जिसमें कि भाई इनके टाइम पे बहुत सिंपल है. ठीक है, ये इनके टाइम पे जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग थी वो बिल्कुल डिक्लाइन, बिल्कुल ऐसे जा रही थी मुगल मिनिएचर पेंटिंग अभी तक, इनके टाइम पे ऐसे पहुंच गई बिल्कुल नीचे. ठीक है, डिक्लाइन हो गए इनके टाइम पे. एंड इसी की वजह से ऐसा क्यों था, क्योंकि सबसे पहली बात, ये एक फेनेटिक मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम थे, एंड इसी वजह से इनकी बहुत सुप्रीमेसी थी वहाँ पे, कि ये चाहते नहीं थे कि मैं आर्ट वर्ट जैसी चीज़ को मैं क्यों ही इतना प्रोत्साहन करूँ. तो इनके टाइम पे जितनी भी पेंटिंग्स थी वो चली गई, ख़त्म हो गई, जितने भी आर्टिस्ट थे उनको इन्होंने वहाँ से हटाना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि यहाँ तक जाने के बाद फिर डेक्कन स्कूल जो है वो इरप्ट हुआ, जिसके बाद ही जो आर्टिस्ट थे वो अलग अलग जगह स्कैटर हो गए डेक्कनी एरियाज़ में. ठीक है, तो 18th सेंचुरी में हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्लोरियस एज था, इतनी सुंदर सुंदर हमने चीज़ें पढ़ी अकबर के टाइम से लेकर के शाहजहां के टाइम तक, वो 18th सेंचुरी में आकर के बिल्कुल एंड हो गई, ध्वस्त हो गई. ठीक है, तो विद दिस आपका मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का स्टार्टिंग का इनिशियल पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया. नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे फाइनली इसकी पेंटिंग, अच्छा सॉरी, मेन फीचर्स के ऊपर. मेन फीचर्स में बहुत सारे कुछ सिंपल सिंपल है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. सबसे पहली चीज़ तो भाई जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, पर्शियन, ईरानियन, यूरोपियन स्टाइल्स को, इंडिजिनस स्टाइल्स को मिलाकर के जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी. ठीक, इसी के साथ साथ ऑर्नामेंटेशन जो था वो पर्शियन स्टाइल्स का ही था. बहुत सारी जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसमें बहुत सारी ही फिगर्स एंड फॉर्म्स एंड ये सारी चीज़ें दिखाना, क्राउडेड सीन्स को दिखाना बहुत ज़्यादा ही लागू किया जाता था. ठीक है, इसी के साथ पर्शियन कैलीग्राफी जो है वो भी लिखी गई है पेंटिंग्स जो बनाते थे ये लोग उसके अंदर. इसी के साथ साथ मेल डोमिनेटेड पेंटिंग है. क्यों? क्योंकि जितने भी हम लोग फीमेल फिगर्स को देख सकते हैं वो मोस्टली पर्दा सिस्टम के अंदर ही रहती थी, एंड काफ़ी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही हो सके मेल फिगर्स को ही दिखाने की कोशिश की गई है. ठीक, फिर सेक्युलर नेचर में होते थे ये, इस बात पर कोई दुम्मत नहीं है, डेफिनेटली होते थे, थम्स अप टू डैट, बट
जितनी भी मतलब ऑल्सो जितने भी आपके यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती थी वो हिंदू क्रिश्चियनिटी इस्लाम सबको दिखाते थे, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। इसी के साथ साथ बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको दिखाना बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर प्रोपोर्शंस में दिखाना। अगर हम अभी फैल्कन ऑन बर्ड ड्रेस देखेंगे उसमें आप देखना कितनी बारीकी डिटेल से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, उसके चाहे विंग्स हो गए, उसकी चाहे बीक हो गई, चाहे उसके आइज हो गए, एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है। हैंडमेड पेपर्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। कलर्स जो कि यूज़ किए जाते थे ओपेक होते थे और नेचुरल कलर्स होते थे, उस टाइम की बात है, ऑफ कोर्स ही बात है आज के टाइम पे आपको आर्टिफिशियल कलर्स मिल जाते हैं, बट फ्रॉम दैट टाइम अगर देखें तो नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता था, मिक्स करके ग्राइंड करके पिगमेंट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। एंड मैंने साइड में आपको ग्रीन कलर से लिखा है कि भाई वर्मेलियन जो कलर है वो सिनाबार इससे बनाया था, मैं फोटो लगा दूंगी आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिनाबार की मदद से वर्मेलियन कलर बनाया जाता था। लापिस लजूली को दिखाने की मदद से अल्ट्रामेराइन कलर दिखाया जाता था, एंड ब्राइट येलो किससे दिखाते और भी मेंट से ब्राइट येलो कलर को दिखाया जाता था, ठीक है। इसी के साथ साथ अब ब्रश का कैसे इस्तेमाल करते थे भाई, जितने भी आपके स्क्वेरल्स हो गए, किटन्स हो गए, इनके जो पूछ होते थे इनके, फिर इनके जो बाल होते थे उनसे ब्रशेस वगैरह बनाए जाते थे ब्रश पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट ऐसे बहुत सारे ही ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का कंबाइंड एफर्ट लगा करके ये जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी। एंड जो लास्ट में क्या होता था, जो मास्टर आर्टिस्ट होता था वो आकर के वहाँ पे सिग्नेचर या फिर कोई भी कोई टचअप वगैरह जो देना होता था वो तब दे देते थे। सो विद दिस आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट पोर्शन कम्प्लीट हो गया है मुगल स्कूल का। नेक्स्ट हम लोग फटाफट से बढ़ेंगे इसकी चार पेंटिंग्स के ऊपर। ये स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपने जिस भी नोटबुक में लिख रहे हो एज इट इज़ उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा ये स्लाइड, ओके, ठीक है। फर्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, ये जो पेंटिंग है ये आपकी बनाई है उस्ताद मंसूर ने टेम्परा टेक्निक से, किसके ऊपर मीडियम है आपका वाटर कलर और पेपर के ऊपर, ठीक है। एंड किसके टाइम पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में इस पेंटिंग को बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बताया था ना कि बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फ्लोरा एंड फौना को दिखाया जाता था, तो ये इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, ठीक है। एंड मुगल स्कूल के अंडर कहाँ पे इसका भी कलेक्शन रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब जब आप इसके डिस्क्रिप्शन को मेंशन करोगे, भले ही 2 नंबर में कर रहे हो, भले ही 6 नंबर में कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी टू से, बट अगर आप 2 नंबर में भी कर रहे हो तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करनी हैं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी CBSE की गाइडलाइंस कह रही हैं, ठीक है। जब आप इसकी आंसर की देखने जाओगे ना, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसकी आंसर की, तो वहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें मेंशन होती है कि ये चीज़ें अगर बच्चे ने मेंशन की है तो ही इसको पूरे नंबर दिए जाएँ, ठीक है। सो पता नहीं ऐसा क्यों है, 2 नंबर में भी सेम चीज़ है, वही चीज़ अगर 6 नंबर में है तो भी आपको सारी की सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो जब मैं फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट के बारे में बात करती हूँ, सबसे पहले जो उसका सब्जेक्ट मैटर इज़ बेसिकली कि आपको जब इस पेंटिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर इसके अंदर के पीछे की डिटेल आपको क्या पता है, आपको वो बतानी है। तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि जहांगीर को ना फैल्कन्स का बाज का बड़ा ही शौक था, वो कीन फैल्कन। इसके पीछे की स्टोरी यही है कि भाई देखो, वहाँ पे एक एम्परर थे, पर्शिया के एम्परर थे, जिनका नाम था शाह अब्बास, ठीक है। शाह अब्बास ने जहांगीर को दे दी थी एक फैल्कन, ठीक है, फैल्कन बर्ड पकड़ा दिया एज अ स्पेसिमेन, एक तोहफा करके, ठीक है। हुआ क्या, जो बिल्ली थी, अब बिल्ली ने बास को देखा, उसको मन किया मैं इस पर झपट्टा मार देती हूँ, तो आकर के उसने झपट्टा मार दिया, झपट्टा मार दिया, बेचारी फैल्कन मर गया, फैल्कन मर गया तो जहांगीर को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने बोलते उस्ताद मंसूर को कि आप मेरे को याद आती है अपने इस फैल्कन की, तो आप जाकर के अब इसके लिए पेंटिंग बनाओ जिससे कि वो ये मेमोरी में रहे ही रहे, ठीक है। तो जहांगीर नामा के अंदर इस फैल्कन के बारे में एक पेंटिंग बना करके रखी गई है और वहाँ पे बना करके रख दी गई, एंड अब आपको पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो ये इसके पीछे की प्रॉपर की पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात तो जहांगीर जो थे वो कीन फैल्कनर थे, वो अलग अलग जगह से उनको शौक था कि उनके पास फैल्कन सा अहबाज आए, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ऑर्डर की छोटी सी हिस्ट्री जो थी वो बता दी कि कैसे कैसे सारा कांड हुआ था, ठीक है। अब इस पेंटिंग के कुछ टिच और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि भाई जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके से रियलिस्टिक मैनर्स में दिखाई गई हैं, ताकि जहांगीर जब भी उस तस्वीर को देखे तो उनको लगे कि हाँ भाई उन्हीं का, मतलब जो फैल्कन था जो बेचारा मर गया वही बैठा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्स दिखाए गए हैं, वाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है उनका वो येलो सा
ऐसे बैकग्राउंड साथ वाइट येलोइश बैकग्राउंड साथ पीछे दिखाया गया है, एंड फिर बहुत ही अच्छे से विंग्स दिखाए गए हैं. मैंने क्वालिटी बताया था इससे पहले, राइट. फिर फोल्डेड विंग्स हो गए, बीक हो गई, आइज हो गए, उसके फिर ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी 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 चीज़ें, ठीक है, किन किन कलर से दिखाई गई हैं, वाइट, येलो ऑर्क और ब्राउन कलर से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक. अब इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फिफ्थ पॉइंट बना के लिखा हुआ है, जो कि आपके अगेन वन मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब वन मार्क्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताओ कि एक फेलकॉन बैठा हुआ है, फेलकॉन के बर्ड, जो बर्ड बैठी हुई है उसके स्टमक के एरिया के पास, या फिर उसके फुट जो पैर है वहाँ पे, या फिर उसके टॉप पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है. अब आपको ध्यान देना है, जहांगीर पट स्वाहा, ये जो वर्ड है ये टॉप पे लिखा हुआ है, टॉप पे इसका. अब जहांगीर पट स्वाहा का मतलब क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ जहांगीर, ठीक है, सबसे टॉप पे जो वर्ड लिखा हुआ है. फिर आपका फेलकॉन के पास, नियर फेलकॉन के पास, बीच में जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है बहरी, ये फेलकॉन के पास लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बहरी माने फेलकॉन, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं, नीचे लिखा हुआ है उत्तम, उत्तम माने एक्सेलेंट, बहुत अच्छा. और ये कहाँ लिखा हुआ है, बॉटम में. तो इनके वर्ड्स के मतलब, ये वर्ड कहाँ लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो एज इट इज़ जैसे बोर्ड पर लिखा है अपनी नोटबुक्स में उतारते जाओ, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. अगेन आपको मैंने बताया था कि आप जो मुगल्स हैं वो सेक्युलर नेचर के हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये वाली पेंटिंग्स भी बनाई, ठीक. अब आते हैं फर्स्ट, अगेन आप सारे के सारे जो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट्स बताए थे 6 to 7 पॉइंट्स, आप वो लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे कि भाई सब्जेक्ट मैटर, कि जो पूरी की पूरी पेंटिंग है वर्टिकल पेंटिंग है, वर्टिकल मैंने से सीधी पेंटिंग है, ठीक है. तो वर्टिकल पेंटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो भाई ये जो पेंटिंग है ये हरिवंशम पुराण, जो कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है, वहाँ से ली गई पेंटिंग है, ठीक है. अब इस किस थीम पे बेस्ड है, ये भगवत पुराण की थीम पे बेस्ड है. थीम पे बेस्ड होना और पेंटिंग को कहीं और से लेना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको सेपरेट रखना, साथ में मत मिला देना, ठीक है. तो किस थीम पे बेस्ड है, भाई भगवत पुराण की थीम पे बेस्ड है. इसके हम लोग अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो कृष्ण जी हैं, उन्होंने जो माउंट गोवर्धन है उनको अपने लेफ्ट हैंड पे उठाया हुआ है, जो माउंट गोवर्धन है, और वो जितने भी लोग हैं गोकुल के जो लोग हैं, उनको जो लॉर्ड इंद्र हैं, उनकी जो गुस्सा है, वो जो वर्षा करवा रहे थे उससे बचा रहे हैं, ठीक है. तो मैं अभी छोटी सी क्लिप डाल दूँगी, क्लिप देख लेना, आपको और अच्छे से याद आ. आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए. तो मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि क्या हुआ था एंड क्या क्या चीज़ें उसमें हम लोग देख सकते हैं. तो बस उस वीडियो को याद रखना है, उस पेंटिंग को याद रखना है, दैट्स इट. आपको पूरी की पूरी जो सारी चीज़ें हैं पेंटिंग के अंदर वो पता चल जाएंगी, ठीक है. वर्टिकल मतलब सीधी, वर्टिकल लंबी सी पेंटिंग है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूज माउंटेन है. बहुत ही एफर्टलेसली जो कृष्ण जी हैं उन्होंने उस ह्यूज माउंटेन को उठाया हुआ है, एंड फ्लोरा एंड फौना हम देख सकते हैं उस पूरे के पूरे माउंटेन के ऊपर है. फ्लोरा एंड फौना मतलब डियर हो गया, मंकी हो गया, ट्रीज, ग्रीन ग्रासेस, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है. बहुत ही अच्छे तरीके से रॉकी माउंटेन दिखाया गया है, उसके नीचे जस्ट वो जो बड़ा सा माउंटेन है, पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, उसके नीचे हैं जितने भी ब्रिज के लोग हैं वो, और जितने भी कैटल हैं वो, सारी की सारी चीज़ें. अब इस पूरी पेंटिंग में ब्लू जो है वो बहुत ही डोमिनेंट कलर दिखाया गया है, ठीक है. डोमिनेंट कलर मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कलर उभर करके आ रहा है, ठीक है. तो कृष्ण जी भी ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, तो याद रखना कि ब्लू ही है जो डोमिनेंट कलर दिखाया गया है, ठीक है. फिर हम लोग आते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लॉर्ड कृष्ण जी के अब हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है, तो बहुत सबसे लार्ज साइज़ में दिखाए गए हैं, ठीक है. सब जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सबसे लार्ज साइज़ में एक ही ह्यूमन फिगर में है, तो वो कृष्ण जी ही दिखाए गए हैं, ठीक है. उन्होंने पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं और एक लॉन्ग गार्लैंड है उनके नेक में, पीताम्बर, जो पीले कलर के वस्त्र उन्होंने वो पहने हुए हैं. इसी के साथ साथ वाइट फ्लावर से गार्लैंड है. ट्राई बेंड पोजिशन, जिस पोजिशन में वो खड़े हैं उसको ट्राई बेंड पोजिशन बोला जा रहा है, और वो बहुत ही एफर्टलेसली, बड़े ही आराम से, मज़े से बांसुरी बजाते हुए उन्होंने आराम से एफर्टलेसली उठाया हुआ है जो इतना भारी जो पहाड़ है, गोवर्धन पर्वत है उसको, ठीक है. सो विद दिस आपका ये वाली पेंटिंग भी हो गई ख़त्म. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कबीरन रायदास, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेकुलर पेंटिंग है, ठीक है. सेकुलर पेंटिंग इसके अंदर दिखाया जा रहा है, ठीक. ओके, तो इस पेंटिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले इसका सब्जेक्ट मैटर
पहले आप वो इस पॉइंट्स लिखोगे, 6 से 7 पॉइंट्स। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर कि हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर, कि भाई दो प्रोमिनेंट सेंट्स हैं जिससे कि डिस्कस कर रहे हैं स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, अब दो प्रोमिनेंट सेंट्स जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कबीर है और रायदास हैं। दो ऐसे प्रोमिनेंट सेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं और बैठ करके क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ऑन अ स्पिरिचुअल टॉपिक। अब इस पेंटिंग के पीछे का मेन मकसद भी है समझाने का कि वर्क एंड वर्शिप, ये जो दो चीज़ें हैं ये हैंड इन हैंड साथ में चलने चाहिए। ठीक है, तो वहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, जो कबीर हैं वो कबीर जी जो है हम उनको देख सकते हैं कि वो बैठे हुए अपने हट के साइड में और वीव कर रहे हैं हैंडलूम। ठीक है, लूम को वो वीव कर रहे हैं। ठीक है, और जो वहीं जो रायदास जी हैं वो उनके साइड में बैठे हुए सिटिंग बिसाइड टू कबीर। ठीक है, और ये पेंटिंग है वो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पीसफुल इंडियन विलेज बताया गया है, हट्स देख रहे हैं हम लोग, ब्राउनिश सा बैकग्राउंड है, लैंडस्केप देख सकते हैं, सेंस के हट्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं, आपके शेड्स ऑफ ब्राउन और ब्लू कलर से पूरा का पूरा बॉर्डर, इस बात को मेंशन करना। ठीक है, ब्लू कलर से पूरा का पूरा जो पेंटिंग है उसका बॉर्डर दिखाया गया है। एंड इससे हमें, इस पेंटिंग से हमें दो बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही पता चलती है। फर्स्ट, वर्क एंड वर्शिप शुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ हमें पूजा भी करनी चाहिए और काम भी करना चाहिए। वही दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कि इस पेंटिंग से हमें सेक्युलर एटीट्यूड ऑफ मुगल्स का देखने को मिलता है, सेक्युलर एटीट्यूड। ठीक है, अब लास्ट फाइनली हम लोग आते हैं, दैट इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को। दारा सिक्को कौन? शाहजहां के एल्डर बेटे। ठीक है, ओके, सो इस पेंटिंग के अंदर सबसे पहले बात तो हम लोग, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें देख सकते हैं हम लोग कि मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को जो है, जो एल्डेस्ट सन है शाहजहां के, उनके बारे में दिखाया जा रहा है कि उनकी भाई शादी हो रही है, बारात हो रही है। आपको याद रखना ये वर्ड भी लिखा हुआ आएगा पेपर के अंदर, इनफैक्ट सैम्पल पेपर के अंदर ही था आई गेस, कि बारात ऑफ दारा सिक्को। ठीक है, या फिर बारात ऑफ शाहजहां एल्डेस्ट सन। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, यही आपके पूरे के पूरे जो ये कोर्स है पेंटिंग का, फाइन आर्ट्स का जो पूरा पूरा कोर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह शादी की बात की जा रही है, वो है ये चैप्टर जिसमें है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को। ठीक है, ओके, सो इस पेंटिंग के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले अगेन भी आप 6 से 7 पॉइंट्स बता दोगे, फिर आप यहाँ आओगे इसके डिस्क्रिप्शन पे, सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट, कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई मैरिज हो रही है, फिर बारात निकल रही है दारा सिक्को की, जो कि एल्डेस्ट सन है शाहजहां के। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन दे देना, काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका डिस्क्रिप्शन, तो अगर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं हो पाती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, अब इस पेंटिंग को सबसे पहले देखो, आपको जितनी चीज़ें याद आ रही हैं इस पेंटिंग को याद करते ही, वो चीज़ आपको लिखनी है इस पेंटिंग के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहली चीज़, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैग्निफिशेंट पेंटिंग है, सारी फर्दर पेंटिंग है कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है इन लोगों ने, जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, हाजी मदी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है यहाँ पे। एंड इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, पहले तो ये वर्टिकल पेंटिंग है, ठीक है, वर्टिकल पेंटिंग है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दारा सिक्को जो हैं वो बैठे हुए हैं, आगे दारा सिक्को है और पीछे शाहजहां है। ठीक है, जो कि दोनों के दोनों ही इसके ऊपर है, हॉर्सेस के ऊपर है, जो हॉर्सेस हैं वो भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाए गए हैं, जो दारा सिक्को है उनके हॉर्स को ब्राउन कलर से, और वहीं जो शाहजहां है उनके हॉर्स को वाइट कलर से दिखाया गया है। ठीक है, दारा सिक्को आगे चल रहे हैं क्योंकि मेन तो उनकी शादी हो रही है, दूल्हा आगे चलता है तो आगे चल रहे हैं, उनके पीछे हैं उनके पिताजी शाहजहां। ठीक है, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि शाहजहां उनके जो हेड है उसके अराउंड में ऐसे हैलो बना हुआ है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे बोला गया है निम्बस अराउंड हिज हेड, निम्बस बना हुआ है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं जो दारा सिक्को हैं उनके साथ साथ 3 अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट उनके जो आसपास खड़े हैं। ठीक है, एक के हाथ में कैंडल है, एक ने हॉर्स को पकड़ा हुआ है और एक के हाथ में फ्लाइंग विस्क है, जिसको जो होता है उनके हाथ में वो है, तो 3 अटेंडेंट है। बहुत बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा, शादी का जब टाइम होता है तो क्या होता है, बहुत ही लाउड क्राउड होता है ना, जो मैंने आपको बताया था इसके मेन फीचर्स में भी कि क्राउड होते हैं पेंटिंग्स के अंदर, तो वही इसका एग्जांपल है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्राउड है यहाँ पे, जॉयफुल है, बहुत खुशी से आ रहे हैं बाराती कि उनकी शादी हो रही है, किसकी, दारा सिक्को की शादी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वही चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी है, आपके लिए इजी पड़ जाएगा फटाफट से। देखो भाई, होराइजन, होराइजन माने जो टॉप का जो एरिया होता है आपकी पेंटिंग का। ठीक है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फार डिस्टेंस पे कि मैन और वुमेन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अकम्पनी कर रहे हैं बाराती को, वो आराम से हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे बैठ कर के आए हैं। वहीं हम लोग देख सकते हैं जो बाराती हो गए या जो शराती हो गए, ठीक है, दोनों साइड से जितने ही लोग हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन रखी हैं, गोल्डन गोल्डन बॉर्डर्स दिखा रखे हैं उनकी जितनी भी ड्रेसेस हैं सबके ऊपर,
एंड फिर बहुत ही अच्छा फायर वर्क भी, हम लोग जो पूरी पूरी पेंटिंग उसमें साइड में ऑफकोर्स की बात है शादी हो रही तो पटाखे फूटेंगे, पटाखे फूट रहे तो पटाखे दिखाए गए इस पेंटिंग के अंदर, अलग अलग टाइप के फायर वर्क हो रहे हैं, बहुत सारे कलर्स यूज़ किए गए, गोल्डन हो गया आपका, फिर ब्लू रेड ग्रीन बहुत कलर्स यूज़ किए गए हैं, एंड टचअप देने के लिए यहाँ पे गॉर्जियस ब्लैक का यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑल्सो मैंने बबल में लिख रहा है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है ये बात कि जो भाई मैरिज हो रही है वो किसकी हो रही है, दारा सिखों की हो रही है और नदीरा बेगम की हो रही है, ठीक है। जिसमें खर्चा हुआ है भाई 32 लाख का खर्चा हुआ है, सोचो उस टाइम के हिसाब से 32 लाख इज़ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इन दोनों की शादी हो रही है भाई, कब हो रही है, 1633 में इनकी शादी हुई है, एंड जो जहां नहारा बेगम है जो कि दारा सिखों की बहन थी, ठीक है, उनकी शादी में हुए थे 16 लाख का खर्चा, जस्ट उनसे हाफ, ठीक है। तो विद दिस आपका ये जो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, क्योंकि यहाँ से जितने भी फिर आर्टिस्ट थे वो निकल करके डेक्कन के साइड में भाग गए थे जैसे ही औरंगजेब के टाइम पर सारी पेंटिंग्स ख़त्म हुई थी, ठीक है। ऑल्सो अगर कुछ बताना है, कुछ पूछना है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात होती है तो मैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। फॉर दिस नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, जल्दी अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।